एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, आपको नीचे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, यह एक गाड़ी का चित्र है। इस गाड़ी के चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि यह संख्या में एक है और एक होने का बोध करा रही है। इसलिए बच्चों ये एक वचन है, गाड़ी। गाड़ी शब्द एक वचन है। इसी तरह से आप दूसरे चित्र को देखिए, यह चित्र एक गुड़िया का है और यह गुड़िया भी संख्या में एक है और यह हमें एक होने का बोध करा रही है, इसलिए इसे हम गुड़िया लिखेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखोगे, आपको यहाँ कुछ मालाएं दिखाई दे रही हैं। बच्चों ये मालाएं संख्या में एक से अधिक हैं, तो इस शब्द को हम लिखेंगे मालाएं। अगर यह एक माला होती तो हम उसको लिखते माला, और अगर यह बहुत सारी मालाएं हैं तो हम इसको लिखेंगे मालाएं। इसी तरह से ये दूसरा चित्र आप देख रहे हो, इसमें दो बच्चे हैं। इस चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है, यानी ये चित्र बहुवचन होने का बोध करा रहे हैं। बच्चे, बच्चे शब्द से पता लगता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। तो बच्चों अभी तक हमने जितना कुछ भी किया है वचन में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।